नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 में तैयारी की रणनीति पर और तैयारी से जुड़ी हुई कुछ बातों पर चर्चा करूंगा। यूपी पीसीएस 2018 में जो बदलाव हुए हैं मुख्य परीक्षा के स्तर पर, उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए आपको 7 ऐसी बातें हैं जिन बातों को आधार बनाकर अपनी तैयारी की रणनीति को निर्मित करना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास परीक्षा की, एग्जामिनेशन की सही समझ है, उसके पैटर्न को लेकर, उसके स्कीम को लेकर, उसके प्लान को लेकर और सिलेबस को लेकर आप एक संतुलित और एक समेकित सोच रखते हैं, तो आप कम समय में, एक निश्चित समय में परिणाम देने की स्थिति में होंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक पिछला जो एक अनुभव है वो साझा करना चाहूँगा। तकरीबन 10 साल से ज़्यादा पहले की बात है, मेरे एक विद्यार्थी थे जिनको यूपीपीसीएस में इंटरव्यू देना था। तो इंटरव्यू को देने को लेकर उनके अंदर बड़ी झिझक थी, और झिझक इस स्तर पर थी कि जब भी मॉक के लिए उनको बुलाया जाता था तो वो संस्थान में आते तो थे, लेकिन फिर वो कहते थे कि सर आज नहीं, आज के बाद दूसरे दिन मॉक दूंगा, क्योंकि मॉक को लेकर उनके मन में एक हेजिटेशन था। और हेजिटेशन इसलिए था क्योंकि जब भी वे मॉक देने जाते थे या सोचते थे तो उनको एक कम्युनिकेशन को लेकर एक अप्रिहेंशन अपने मन में हो जाता था। तो ऐसे ही अनौपचारिक बातचीत के दौरान उस जमाने में मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय में जो विद्यार्थी होते थे तो उनसे एक लंबा एक समय का जुड़ाव भी होता था। तो उस विद्यार्थी से मैंने कहा कि तुम करोगे कैसे, तुम इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू भी नहीं दे रहे हो। तो उसने एक बात कही उस विद्यार्थी ने, जो आज भी मैं याद रखता हूँ, कि सर मुख्य लिखित परीक्षा में इतने अंक ले आऊंगा कि इंटरव्यू की जो आवश्यकता है वह उतनी रहेगी ही नहीं। दरअसल उस विद्यार्थी का नाम राकेश नायक है और वो डीएसपी पद पर चयनित हुए। बाद में कानपुर के एक मर्डर के संदर्भ में थोड़ा उनका नाम विवादों में भी रहा, लेकिन आज भी मैं रणनीति के दृष्टि से उस विद्यार्थी की बात को हमेशा चर्चा करता रहता हूँ कि मुख्य लिखित परीक्षा में इतने अंक ले आओ कि साक्षात्कार की अनिश्चितता का, साक्षात्कार में जो भी अनिश्चितता है उस अनिश्चितता का खतरा जो है आपके ऊपर कम हो जाए। यूपी पीसीएस के संदर्भ में अगर देखें तो ये बात और सटीक तरीके से लागू होती है, क्योंकि यूपी पीसीएस में पहले ही साक्षात्कार के जो अंक हैं वे अंक घटा दिए गए, वे 100 साक्षात्कार वहां पर 100 अंक का कर दिया गया। लेकिन अगर हम इन बातों को अलग अलग देखेंगे, अर्थात अगर हम ये देखेंगे कि मुख्य लिखित परीक्षा में क्या हुआ, साक्षात्कार में क्या हुआ, तो जो हमारी स्ट्रेटजी बनेगी वह स्ट्रेटजी पिसिमल होगी, वो स्ट्रेटजी आंशिक होगी। हमें पूरे परीक्षा योजना पर ध्यान देना चाहिए, हमें पूरे पैटर्न पर, प्लान पर, स्कीम पर, सिलेबस पर, इन चारों चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और दरअसल यूपीपीसीएस 2018 में जो मुख्य परीक्षा में जो बदलाव है, उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए आपको रणनीति अपनी कैसे तय करनी चाहिए, इसमें कुछ कारकों को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात यह है कि यूपीपीसीएस 2018 की जो मुख्य परीक्षा है, इस मुख्य परीक्षा की रणनीति में या किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की जो रणनीति है, उस रणनीति में दो कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है कि परीक्षा की समझ आपकी कैसी है, और परीक्षा की समझ का मतलब कि परीक्षा की पूरी प्रणाली की समझ आपकी कैसी है। दूसरा, परीक्षार्थी को अपने बारे में, उम्मीदवार जो है वो अपने बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में, अपनी
शक्तियों के बारे में, अपने सामर्थ्य के बारे में, अपनी संभावनाओं के बारे में, अपनी पॉसिबिलिटीज के बारे में, और इसके साथ ही अपनी कमजोरियों के बारे में वह कितना वस्तुनिष्ठ है और कितना वह निष्पक्षता से इस बात को समझता है कि उसे कहां पर वह मजबूत है और कहां पर वह कमजोर है। मुख्य परीक्षा की जो रणनीति है वह रणनीति इन दोनों कारकों पर निर्भर करेगी, एक परीक्षा की समझ और दूसरा परीक्षार्थी या उम्मीदवार जो है, जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट की अपनी जो सामर्थ्य है वह किस किन क्षेत्रों में है, किन क्षेत्रों में अच्छा वह कर सकता है और कहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है। दरअसल किसी भी सिविल सेवा जैसे प्रतिस्पर्धी एग्जाम में परीक्षा के बारे में चार चीजों को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज ये है कि किसी भी परीक्षा का प्लान क्या है, किसी भी परीक्षा की योजना क्या है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी परीक्षा की जो स्कीम है वह स्कीम क्या है, किसी भी परीक्षा की जो संरचना है, स्कीम है, वह स्कीम क्या है। प्लान और स्कीम के अलावा परीक्षा का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, और इसके साथ ही एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। यूपीपीसीएस 2018 दूसरे सिविल सेवा परीक्षाओं की तरह ही जो प्लान रखता है उस प्लान में तीन चरण हैं। आप सभी जानते होंगे कि प्री का एक चरण, उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा का, मेंस का, और मेन एग्जामिनेशन में मेंस रिटन के अलावा इंटरव्यू का चरण। अब ये जो तीनों जो चरण हैं, ये तीनों चरण सभी सिविल सेवा परीक्षाओं में हैं, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में है, इसके साथ ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC इन सभी में है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप रणनीति को निर्मित करते हैं तो रणनीति को निर्मित करने के संदर्भ में आप किन बातों को ध्यान में रखते हैं। 2018 के मुख्य परीक्षा के सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो घटाकर 100 अंक कर दिए गए। मेंस में जो GS है उसका जो प्लान है उसमें GS का वेटेज बढ़ाकर ज्यादा कर दिया गया। सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज जो है वह वैकल्पिक विषयों की तुलना में 2 भारांश रखने लगा है और वैकल्पिक विषय 1 भारांश रखते हैं, उनका अनुपात सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का जो अनुपात है 2:1 का है। और प्रारंभिक परीक्षा में जो पहले परिवर्तन हो रहे थे 2013 से वे परिवर्तन लगातार हो चुके हैं। रणनीति की दृष्टि से देखें तो कई बार बच्चे जब ये कहते हैं या जिस विद्यार्थी की मैंने चर्चा की कि मुख्य लिखित परीक्षा में इतने अंक ले आऊंगा कि साक्षात्कार की उतनी कोई आवश्यकता, साक्षात्कार में अच्छे अंकों की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो जो बात पहले रणनीति का हिस्सा थी वह बात आज मुख्य लिखित परीक्षा में स्वाभाविक तौर पर आ गई, क्योंकि अब इंटरव्यू उतने निर्धारक, उतने निर्णायक नहीं रहेंगे क्योंकि उनका भारांश कम हो गया है। अगर हम इस परीक्षा के स्कीम की बात करें तो स्कीम के स्तर पर आप 2 चीजों को ध्यान से समझें। वर्तमान समय में भारत में मेंस एग्जामिनेशन की 2 स्कीम है, एक ओनली कंपल्सरी पेपर की स्कीम है, केवल अनिवार्य प्रश्न पत्र की स्कीम है, और दूसरा कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल की स्कीम है। UPPCS कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल की स्कीम में आता है। दरअसल 3 ऐसे आयोग हैं, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कंपल्सरी पेपर्स, GS के पेपर, सामान्य हिंदी के पेपर और निबंध के पेपर के साथ साथ ऑप्शनल को भी, एक ऑप्शनल को रखता है।
लेकिन दूसरी तरफ चार ऐसे उत्तर भारत के आयोग हैं, राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग हैं, जो केवल कंपलसरी पेपर को रखते हैं, और उन चार जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उसमें मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इनमें ओनली कंपलसरी पेपर का जो स्कीम है मुख्य परीक्षा में अपनाया गया है। रणनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम का चेंज हो जाना बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, तो इसको भी हमें अपने रणनीति को बनाने में ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले का जो पैटर्न था जीएस में मुख्य लिखित परीक्षा में, वह ऑब्जेक्टिव था। अब जो पैटर्न है वह डिस्क्रिप्टिव होगा। पैटर्न के स्तर पर भी एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में भी यूपी कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरह लघु संक्षिप्त और वैसे प्रश्नों को नहीं पूछता है। और इसके साथ ही सिलेबस के लेवल पर अगर हम बात करें, पाठ्यक्रम के लेवल पर अगर हम बात करें, तो यूपी पीसीएस आईएएस से एक समानता उसके सिलेबस में है, और दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सबसे ज्यादा आईएएस के सिलेबस के को फॉलो करता रहा, और इस बार का जो पाठ्यक्रम रखा गया है वो हूबहू आईएएस का पाठ्यक्रम है। तो एग्जामिनेशन की जो समझ है प्लान को लेकर, स्कीम को लेकर, पैटर्न को लेकर और सिलेबस को लेकर, यह होनी चाहिए। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे केवल प्री के बारे में सोचते हैं, तो उनका प्री निकलता भी है, लेकिन उन्होंने अपने रणनीति में मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के फेज के बारे में उस समय सोचा ही नहीं होता है। उन्हें लगता है कि प्री ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वे प्री के लेवल पर तैयारी करके सफल भी होते हैं, लेकिन आगे का रास्ता बनाने में उन्हें एक आध साल, दो साल या एक आध मेंस लिखने के बाद फिर उन्हें लगता है कि आगे मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। स्कीम के संदर्भ में भी है कि कई बार बच्चे आते हैं हम लोगों के पास कि सर मैं कहां से स्टार्ट करूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दी है, और ऑप्शनल की तैयारी के बाद फिर जीएस की तैयारी करेंगे। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि जब आपकी स्कीम में कंपलसरी पेपर 2:1 हैं और ऑप्शनल 1:1 है, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शनल की तैयारी पहले करनी चाहिए या सामान्य अध्ययन की तैयारी पहले करनी चाहिए, यह भी आपकी एक रणनीति सुचिंतित होनी चाहिए। कोई भी रणनीति सफल होगी, लेकिन अगर उसमें सभी पक्षों को ध्यान में रखा जा रहा है तब। पैटर्न के संदर्भ में भी यही बात है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न से डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर किसी परीक्षा का आयोजित होना एक दूसरी आवश्यकता की तरफ ले जाता है, और सिलेबस के संदर्भ में भी यहां पर बातें हैं। तो यूपी पीसीएस 2018 का चेंज का जो ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, जो वस्तुनिष्ठ पक्ष है, वह इन चार बातों से जुड़ा हुआ है। प्लान में भी चेंजेस हैं, इंटरव्यू के भारांश को कम किया गया है, इसके साथ ही स्कीम में भी चेंजेस है, पैटर्न भी क्या है बदला हुआ है, और सिलेबस भी बदला हुआ है। परीक्षार्थी लेकिन नहीं बदल पा रहा है, वो अभी भी ये सोच रहा है कि जो परंपरागत कन्वेंशनल तरीके से वो जिन विषयों को पढ़ चुका है उन विषयों में ये केवल एक एड ऑन है, ये कोई मॉडल का चेंज नहीं है, ये कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं है, ये दरअसल केवल और केवल क्या है, एक अतिरिक्त चीज है जो पहले से चली आ रही है। दरअसल जब इस तरीके से हम किसी परीक्षा के बारे में सोचते हैं तो हमारी रणनीति जो है वो रणनीति सही नहीं होती है। तो यहां पर मैं ये जो एग्जामिनेशन के संदर्भ में जो ये ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ फिर एग्जामिनेशन के स्ट्रेटजी के संदर्भ में जो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में, स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में, उसके विद्यार्थी या उम्मीदवार के सापेक्ष जो सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, उस सब्जेक्टिव एस्पेक्ट पर भी रणनीति के संदर्भ में चर्चा करूंगा। दरअसल कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसके मुख्य परीक्षा की तैयारी की 7 बातें हैं
जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसने सामान्य अध्ययन का भारांश बढ़ा दिया है। यूपीपीसीएस की का जो ये एग्जाम है वो सामान्य अध्ययन के बढ़े हुए भारांश पर होगा। दूसरी बात यह है कि दो वैकल्पिक विषय की जगह एक वैकल्पिक विषय मुख्य परीक्षा में अब रखा जाएगा। तीसरी बात यह है कि मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन के पेपर का वस्तुनिष्ठ से जो पैटर्न है वह वर्णनात्मक हो गया है। चौथी बात यह है कि पीसीएस और आईएएस के पैटर्न में एक समानता भी आ गई है। पांचवी बात यह है कि पीसीएस के साक्षात्कार में अंक घट गए हैं। छठी बात यह है कि मुख्य परीक्षा के स्तर पर एप्टीट्यूड टेस्ट जोड़ा गया है जो इस पूरे प्लान का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावित करने वाला कारक होगा। और सातवीं बात यह कि 10% आर्थिक आरक्षण लागू होने के बाद जो कट ऑफ होगा उस कट ऑफ में एक नया कारक भी आएगा। आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान में 124वां संशोधन करते हुए 2019 में 10% आरक्षण अनुच्छेद 46 के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आधार पर आर्थिक आरक्षण नौकरियों में और शिक्षा संस्थाओं में दिया गया है। तो जब आप कट ऑफ की लिस्ट देखते हैं तो उस कट ऑफ की लिस्ट में आप पाते हैं कि जनरल अनरिजर्व जो है उसका कट ऑफ इतना है, ओबीसी का इतना है, एससी एसटी का इतना है, यूपी में गर्ल्स का इतना है। तो उसी तरह से इस बार की परीक्षा में जब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा तो एक नया कट ऑफ भी इसमें जुड़ेगा और ये कट ऑफ आमतौर पर जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनसे कम होगा। क्या आपको इन सातों बातों का असर पता है? क्या आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी की इन सात बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तय की है? अगर नहीं तो जरूरत है कि आप इन पहलुओं को गौर करें और अपनी रणनीति को अच्छा बनाएं। मैंने पहली बात ये कही कि सामान्य अध्ययन का जो भारांश है वह भारांश बढ़ गया है। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि दो वैकल्पिक विषय की जगह एक वैकल्पिक विषय हो गए हैं, जो पहले ही पॉइंट का विस्तार है लेकिन अलग है, इसका इम्पैक्ट अलग से देखना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पैटर्न वस्तुनिष्ठ से वर्णनात्मक हो गया है। चौथी बात यह कि पीसीएस और आईएएस के पैटर्न में समानता कर दी गई है। पीसीएस में साक्षात्कार का अंक घट गया है, 100 अंक का हो गया है लेकिन परीक्षा ज्यादा निर्णायक हो गई है। छठी बात यह कि मुख्य परीक्षा के स्तर पर एप्टीट्यूड टेस्ट को जोड़ दिया गया है। और सातवीं बात यह है कि 10% आर्थिक आरक्षण लागू होने का मुख्य परीक्षा के कट ऑफ पर एक प्रभाव दिखेगा और कुछ स्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि ये प्रभाव जो है यह प्रभाव अंतिम चयन में भी दिखेगा। तैयारी की रणनीति की दृष्टि से यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 का एक सबसे दिखने वाला परिवर्तन, सबसे मूर्त परिवर्तन सामान्य अध्ययन के भारांश का 400 अंक से बढ़कर 800 अंक हो जाना है। इससे मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का भारांश 53% हो गया, 53% हो गया। 27% भारांश वैकल्पिक विषयों का है और ये दोनों मिलाकर 80% भारांश हुआ और 10% भारांश सामान्य हिंदी का है और 10% निबंध का है। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात रणनीति की दृष्टि से यह है कि अंतिम सफलता का ताला किस चाबी से खुलेगा। अंतिम सफलता के ताले की सबसे बड़ी और सबसे पहली चाबी सामान्य अध्ययन हो गई है और वैकल्पिक विषय हमेशा की तरह महत्वपूर्ण है, निर्णायक है लेकिन भारांश कम होने की वजह से वो पहले जैसे निर्णायक नहीं रहे। उनका भारांश कम है इसलिए वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, एक निर्णायक भूमिका अदा करेंगे लेकिन उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं होगा। हम यूं ऐसे भी कह सकते हैं कि डिप्टी कलेक्टर बीएसए
असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड टैक्स ARTO जैसे पदों पर पहुंचने के लिए उच्च प्रशासनिक जो पद हैं उन पदों की प्राप्ति में वैकल्पिक विषय अभी भी निर्णायक रहेंगे, लेकिन भारांश कम होने की वजह से उनका जो निर्णायक असर होगा वो पहले की तुलना में कम होगा। पहले विद्यार्थियों की रणनीति यह भी होती थी इसीलिए कि दो वैकल्पिक विषयों में अच्छे अंक लाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के या किसी भी जब संघ लोक सेवा आयोग की भी अगर हम बात करें तो वहां पर वे उच्च पदों को प्राप्त कर सकते थे। दूसरी बात यह है कि दो वैकल्पिक विषय की जगह एक वैकल्पिक विषय का होना ये अपने आप में किस तरह का परिवर्तन है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर हम थोड़ा समेकित ढंग से बात करें तो इस समय देश में सिविल सेवा परीक्षा का वास्तव में दो तरह परीक्षाओं की दो तरह की स्कीम है। एक स्कीम यह है जिसमें केवल अनिवार्य विषय रखा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि केवल अनिवार्य विषयों वाले मुख्य परीक्षा की स्कीम, और दूसरी स्कीम यह है जिसमें अनिवार्य विषयों के साथ साथ वैकल्पिक विषय भी रखा जाता है। चार राज्य लोक सेवा आयोग ऐसे हैं जो केवल अनिवार्य विषय के अनिवार्य विषय वाले मुख्य परीक्षा की स्कीम के अनुसार परीक्षा आयोजित करते हैं, और ये चार राज्य लोक सेवा आयोगों में है राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड। लेकिन एक दूसरी भी मुख्य परीक्षा की स्कीम है जो अनिवार्य विषयों के साथ वैकल्पिक विषयों को भी रखती है, और इसमें तीन आयोग हैं। एक तो संघ लोक सेवा आयोग या IAS मुख्य परीक्षा इस पैटर्न पर होती है जिसमें सामान्य अध्ययन के अनिवार्य प्रश्न पत्र के साथ साथ एक वैकल्पिक विषय लेना पड़ता है, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की तुलना में बिहार लोक सेवा आयोग में अंतर यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में दो प्रश्न पत्र होते हैं वैकल्पिक विषय के, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग में एक ही प्रश्न पत्र होता है। तो भारांश में यहां वैकल्पिक विषयों के कंपैरिजन में भी अंतर है, और इसका कुल मिलाकर फर्क क्या पड़ता है। इसका कुल मिलाकर फर्क ये पड़ता है कि सामान्य अध्ययन के साथ मुख्य परीक्षा वाले सामान्य अध्ययन के साथ वैकल्पिक विषय रखने वाले जो मुख्य परीक्षा की जो स्कीम है उस स्कीम में थोड़ा अनिश्चितता का जो तत्व होता है, जो अज्ञात का जो भय होता है, वो वैकल्पिक विषयों में कम होने के कारण थोड़ा सा पैटर्न जो है वह इस तरह की जो स्कीम है वह स्कीम विद्यार्थियों को ज्यादा आश्वस्त करने वाली होती है। संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बात को स्वीकार किया जाता है कि ऑप्शनल जो है वो स्कोर मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेटजी के तहत बच्चे लेते हैं, और इसीलिए अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन दीपक गुप्ता साहब ने किताब लिखी द स्टील फ्रेम हिस्ट्री ऑफ IAS। उस किताब में उन्होंने वैकल्पिक विषयों को लेकर एक जिक्र भी किया कि वैकल्पिक विषयों को रखा जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, समर्थन के तर्क क्या है, विरोध के तर्क क्या है। तो जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि वैकल्पिक विषय के माध्यम से विद्यार्थी के विश्वविद्यालय स्तर के ज्ञान की परख होती है। जो विरोधी हैं, वैकल्पिक विषय नहीं रखना चाहते हैं, जो अलग समिति के आधार पर जो बात करते हैं, उनका कहना है कि जिन विषयों में विद्यार्थी को पहले से ही जांचा जा चुका है उन्हें लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, खासतौर पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जांचने का जो रास्ता है उस रास्ते की कोई प्रासंगिकता नहीं है। और UPSC अपनी रिपोर्ट में कई बार ये कहती है कि क्रॉस डोमेन मूवर्स होते हैं। क्रॉस डोमेन मूवर उन कैंडिडेट्स को कहा जाता है जिनका ऑप्शनल जो होता है वो अपना अकेडमिक जो उनका बैकग्राउंड होता है, अकादमिक जो उनकी पृष्ठभूमि होती है, उस पृष्ठभूमि में जो उन्होंने BA, BSc, BCom करते हुए, MTech करते हुए, BTech करते हुए जो उन्होंने जिस विषय की पढ़ाई की होती है उस विषय को जब वो नहीं लेते हैं
और कोई दूसरा विषय लेते हैं जिसको कहा जाता है क्रॉस डोमेन मूवर्स। तो क्रॉस डोमेन मूवर्स की संख्या लगातार बढ़ी है। यहां पर अगर हम रणनीति के दृश्य से देखें तो दो वैकल्पिक विषय की जगह एक वैकल्पिक विषय आने का परिणाम क्या होगा? सबसे पहली बात यह है कि पहले के जमाने की अगर हम बात करें तो पहले के जमाने में जो अंतिम चयन में उच्च पद जो प्राप्त होते थे उनमें बहुत निर्णायक बहुत असरदार भूमिका वैकल्पिक विषयों की होती थी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो दौड़ रहे हैं डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए विद्यार्थियों ने सब्जेक्ट्स के जो पेयर्स हैं उन पेयर्स का चयन किया है। किसी जमाने में दर्शन शास्त्र और संस्कृत लेकर लोग डिप्टी कलेक्टर बनते रहे हैं, वो पुराना जमाना शंकर जयकिशन वाला दौर कहा जा सकता है कि कोई ऐसा जमाना रहा है जिसमें विद्यार्थी जो है वो समाज कार्य और रक्षा अध्ययन लेकर ये दो विषयों को लेकर और शोले के वीरू और जय की तरह जो है उन्होंने हंगामा किया या बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की। तो वैकल्पिक विषयों के अपने युग में रहे हैं और उन युग्मों के माध्यम से बड़ी सफलताएं अर्जित की गई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही अब ये संभावना ही समाप्त कर दी है। अब वो दो हंसों का जोड़ा वाला जो खेल है वो बिखर चुका है। तो अब यहां पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या वही पुरानी स्कोर मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेटजी के टूल के रूप में ऑप्शनल को देखना चाहिए या हमें एक बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में ऑप्शनल को देखना चाहिए? हम ऑप्शनल से क्या उम्मीद करते हैं? चूंकि ऑप्शनल का भारांश ज्यादा नहीं है इसलिए अंतिम सफलता में ऑप्शनल अब स्कोर मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेटजी के तहत नहीं लिए जा सकते या उसके तहत अगर रोल अदा भी करेंगे तो कुछ विद्यार्थियों के संदर्भ में करेंगे। दरअसल ऑप्शनल की जो रणनीति होनी चाहिए वह रणनीति एक औसत अंक या उससे अच्छा बेहतर अंक प्राप्त करने की होनी चाहिए और सामान्य अध्ययन का भारांश ज्यादा होने के कारण तैयारी के इस पक्ष पर या सामान्य अध्ययन के पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो चीज है या रणनीति के संदर्भ में यह जो बात है इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई मान लीजिए कि डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है तो उसे अपनी रणनीति के संदर्भ में किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी जो रणनीति है उसे अपनानी चाहिए। यहां पर एक बात जो आपको समझना है वह यह है कि ऑप्शनल जो है इनको हम स्कोर मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेटजी के तहत लेते रहे हैं, आगे भी इसको लिया जाएगा और ऑप्शनल को इसके साथ ही जीएस में अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ एक बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में लिया गया है। दरअसल अब इस बात की संभावना ज्यादा है कि ऑप्शनल को स्कोर मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेटजी के तहत लेने का जो रास्ता है वह रास्ता सबके लिए संभव नहीं है। आपने पहले से पढ़ा है, आपको कॉन्फिडेंस है, आप पहले से सुनियोजित तरीके से ऑप्शनल पर ग्रिप बना चुके हैं, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात यहां है कि बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में ऑप्शनल को लेने की जो स्ट्रेटजी है वह स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए। दूसरी बात है कि किसी भी परीक्षा में हमें यह देखना चाहिए कि ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें पूछे जाने की आवृत्तियां निश्चित हैं, फ्रीक्वेंसी सर्टेन है, भारांश ज्यादा है, डायनेमिज्म कम है, गत्यात्मकता कम है और वह दिन महीने पाक्षिक मासिक साप्ताहिक इनके आधार पर बदलता नहीं है। हमेशा ऐसे खंड
जिनकी निश्चित आवृत्ति होती है, भारांश ज्यादा होता है, गत्यात्मकता कम होती है, सिविल सेवा की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे खंडों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो वास्तव में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आपको वैकल्पिक विषयों से एक ऐसी रणनीति बनाकर, सामान्य अध्ययन के साथ एक समायोजित रणनीति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें आप कुल मिलाकर सभी जगहों पर औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन कर पाए। किसी एक से बहुत अधिकतम अंक लाने की जो स्ट्रेटजी है, और खास तौर पर ऑप्शनल से अधिकतम अंक लाने की स्ट्रेटजी के माध्यम से जो सफलता सुनिश्चित करने का जो पुराना रास्ता था, वह नए पैटर्न पर, वह जो नया पैटर्न है उस नए पैटर्न पर नहीं चलेगा। और इस रास्ते के ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि भारांश कम हो गया है। तीसरी बात यह है कि मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का जो पैटर्न है वह वस्तुनिष्ठ से वर्णनात्मक हो गया है। ये पैटर्न के दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव है। दरअसल पहले एक विद्यार्थी की पूरी जो क्षमता थी वो केवल तथ्यों की जानकारी तक और वस्तुनिष्ठ सवालों को हल करने से जुड़ी हुई थी। इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक औसत इलाहाबादी विद्यार्थी का जो पूरा पौरुष था वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के हल करने से जुड़ चुका था, और उनके घर आंगन, उनके कमरे, हर जगह पुनरावलोकन जैसी पुस्तकों, पुनरावलोकन जैसी पुस्तकों और वाणी की वीणा जैसी पुस्तकों की गूंज थी। और अच्छे से अच्छा विद्यार्थी भी हम लोग देखते थे कि पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने वालों की तुलना में गाइड पढ़ने वालों के सामने नतमस्तक हो जाता था। उसका रीजन ये था कि मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती थी और किसी भी तरह से वहां पर जो जीता वही सिकंदर होता था, जिसने सवाल किसी भी रूप में टिक कर लिए, सही टिक कर लिया, वो सफल होगा, वो ज्यादा अंक लाएगा। दरअसल गोला भरने और टिक करने के बजाय किसी विषय पर लिखना, ये दोनों दो बातें हैं। लिखने के लिए समझ चाहिए, और समझ तभी आती जैसा पढ़ते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो यहां पर जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। और यहां जो चुनौती है वो ये है कि जब मुझे टिक करने के लिए जांचा जाएगा तो मेरी पढ़ाई भी टिक करने के लिए होगी, लेकिन जब मुझे लिखने के लिए जांचा जाएगा तो मुझे लिखने की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वह पहलू यह भी है कि सामान्य अध्ययन का पैटर्न वस्तुनिष्ठ से वर्णनात्मक हो जाने के कारण अब आपसे उम्मीद करता है कि आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ें, समझें, जिनको आप अपनी भाषा में एक निश्चित स्पेस में, दिए गए स्पेस में आप लिख सकें, दिए गए स्पेस में लिख सकें। ये मैंने रणनीति, ये मैंने मुख्य परीक्षा की तैयारी की पहली तीन बातें डिस्कस की हैं। दरअसल ये जो पूरी बातें हैं वो कुल मिलाकर सात हैं। तो सात में से जो चार बातें हैं, चार बातों में जैसे पीसीएस और आईएएस के पाठ्यक्रम में समानता होना, पीसीएस में साक्षात्कार के अंक घट जाने का क्या प्रभाव होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात की मुख्य परीक्षा के स्तर पर एप्टीट्यूड टेस्ट आने का क्या प्रभाव होगा, और 10% आर्थिक आरक्षण लागू होने का कटऑफ पर क्या प्रभाव होगा, ये मैं आपको दूसरे खंड में आपसे डिस्कस करूंगा।